आपका बच्चा बीमार रहता है? क्या मौसम बदलते ही आपके बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ने लगता है? क्या आपका बच्चा कमजोर है? क्या आपके बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है? अगर हाँ तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, जीवा हेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद फॉर किड्स के बारे में। दोस्तों, बच्चों की हेल्थ बहुत नाजुक होती है। कैसे रखें अपने बच्चों का ख्याल, उनकी सेहत का ख्याल, कैसे बढ़ाएं अपने बच्चों की इम्यूनिटी जिससे वो हर बीमारी, वायरस और बैक्टीरिया से सेफ रहें। क्या किड्स के लिए आयुर्वेद है? व्हाट इज आयुर्वेद फॉर किड्स? इस विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद है, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर चौहान, हम किड्स के बारे में, आयुर्वेद फॉर किड्स के बारे में। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अक्सर बीमार पड़ रहे हैं, उनकी सेहत से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर, बच्चों के लिए आयुर्वेद को सबसे बेहतर क्यों माना जाता है, सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, जो लोग अपने बच्चों को दूसरे ट्रीटमेंट्स की ओर ले चलते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, आयुर्वेद को बच्चों के लिए अच्छा इसलिए माना जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है अभी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन उनको नहीं देनी चाहिए। और सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बता दूं, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी मैं सुना रहा हूं, अच्छी खबर है कि आयुर्वेद में बच्चों के लिए एक स्पेशल ब्रांच है, विशेष ब्रांच है, जिस ब्रांच का नाम है कुमार भृत्य। आयुर्वेद में बच्चों के स्वास्थ्य को जन्म से पहले से ही, जन्म के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ तक प्लानिंग की जाती है कि बिफोर द चाइल्ड इज कंसीव्ड, वहाँ से जो है शुरू होता है बच्चे की हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्शन कैसे होना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, माता को क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे उसकी जीवन शैली होनी चाहिए, मेंटली वो कैसी रहनी चाहिए, इमोशनल उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है आयुर्वेद में लिखा है। मंथली रेजिमेन, मासानुमासिक उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ जीवन में तो आपको मालूम है, कई बार हम बताते हैं आपको कि हमारा एक प्रोग्राम है जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम, हाउ टू प्रोड्यूस ए हेल्दी आयुर्वेदिक चाइल्ड, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे जीवा की क्लिनिक्स में भी हम इसको चलाते हैं, स्वर्ण प्राशन, जन्म से लेकर 16 वर्ष के बच्चों तक जो है स्वर्ण प्राशन प्रोग्राम चलता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो नेचुरल होती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। जी डॉक्टर, बच्चों की हेल्थ बहुत ज्यादा नाजुक होती है, उन्हें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम बुखार पकड़ा जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जीवा में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन स्टोर पे जो कि पेरेंट्स को अपने घर पे जरूर रखने चाहिए? जी देखिए, बहुत ही जो है सिंपल चीजें हैं, खास तौर से ये जो बताया आपने, पसलियां चलती हैं, अस्थमा हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो इसके लिए तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवा का बालोजस है। बालोजस जो है वो अगेन छोटे बच्चों से लेकर के 2 साल से ऊपर का बच्चा तो डेफिनेटली उसको खा सकता है, और आगे 12 13 14 15 साल तक के बच्चे भी उसको खाते हैं। और आंवला चटपटा कैंडी, कैंडी के रूप में हमने एक बहुत बढ़िया, टेस्टी है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गुण है। आंवला तो आप जानते हो बेस्ट है, बलवर्धक है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। जीवा का हनी बहुत अच्छा है, हनी जो है वो भी बच्चे आसानी से खा लेते हैं, च्यवनप्राश भी खाते हैं बच्चे। हमारा जो च्यवनप्राश होता है जीवा का, वो फ्रेश आंवले से बनता है, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग मिलता है, जैसे आजकल बच्चों का टेस्ट होता है वो टेस्ट उनके बिल्कुल माफिक आता है। और पाचन के लिए तो डाइजेस्टोल है, पाचन बच्चों का जरूर ठीक रहना चाहिए, इसलिए उनके लिए हमने एक टेस्टी टैबलेट फॉर्म में भी है और चूर्ण फॉर्म में भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल हैं, आपको भी अपने घर में रखने चाहिए, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने देखा है कि उनके बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रही है, और इम्यूनिटी अच्छी रही है तो बार बार बीमार, उनको खांसी जुकाम बलगम वगैरह
ये नहीं होता है। तो डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बच्चों के लिए हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के कोविड टाइम्स में, जो कि इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है पेरेंट्स को अपने बच्चों की। तो मैं अपने दर्शकों को एक सूचना देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों को सीजन चेंज होते ही सर्दी जुकाम होने लगता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, क्योंकि पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करवाएं, कॉन्टैक्ट कीजिए आपके नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में, या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। और डॉक्टर चौहान के लिए हर रोज ढेरों कॉलर्स आते हैं, वीडियो कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं और डॉक्टर चौहान उनकी समस्या का समाधान बताते हैं। जी बिल्कुल। इसी बीच एक वीडियो कॉलर वेट कर रहे हैं हमारे लिए, आइए उनसे जुड़ते हैं। डॉक्टर चौहान। हेलो सर, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मेरी उम्र 41 साल है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ ओरिजिनली, लेकिन लास्ट 10 साल से लंदन में हूँ। 10 साल पहले मेरी कुछ इंजरी हुई थी बैक में, जिसकी वजह से मुझे बैक पेन रहता है हमेशा, और इसका मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथी ट्राई कर लिया और फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर, सबके पास गया, लेकिन कुछ परमानेंट फिक्स नहीं मिला है सॉल्यूशन का। मेरे को अभी भी बैक पेन रहता है। सो बस मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि आयुर्वेदा में इसका कोई परमानेंट इलाज है जो कि मेरी डिस्क की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लंदन से जो प्रश्न किया है, और जैसा कि आप सबके पास जा चुके हैं, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपी, अब केवल आपको अपने होम टाउन में वापस आना है और प्रोग्राम बनाइए, कम से कम 3 हफ्ते का प्रोग्राम बनाइए, जीवाग्राम में आ करके आप रहेंगे, क्योंकि बैकएक आपको जो 10 साल पहले हुआ है और इंजरी के कारण हुआ है, थोड़ा समझने वाली बात है। इंजरी से क्या होता है, कोई चीज़ हमारे यहाँ चोट लग जाए, कई बार अंदर मसल्स में जो है कुछ इंजरी हो जाती है, कहीं कार्टिलेज में कोई इंजरी हो जाती है, तो हम उस तरह का जो है इलाज करते हैं, इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं, साथ में जो है आपको जब पंचकर्म करेंगे तो उसके और भी लाभ मिलेंगे, क्योंकि ये केवल आपके बैक तक ही नहीं रहता। जब कमर में दर्द होगा तो आपकी पूरी स्पाइन पर असर पड़ता है, जो साइड में मसल्स हैं उन पर असर पड़ता है, आपकी नर्व्स पर असर पड़ता है। तो हम ओवरऑल आपकी जो है एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम बनाएंगे। इन द मीन टाइम आपसे मेरा निवेदन है कि अभी हमारे जो जीवा के प्रोडक्ट्स यूरोप में मिलते हैं, वहाँ आपको एक पेन काम ऑयल हमारा मिल जाएगा, आप कहीं भी जो है ऑनलाइन सर्च करेंगे, यूरोप में भी प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल हैं। पेन काम ऑयल से रोज़ आपको मालिश करनी, नहीं तो इंडिया से भी आप मंगा सकते हैं, पेन काम बाम भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन कर लीजिए आने से पहले, ताकि हम एक प्रोग्राम आपका बना सकें कि किस तरह से आपकी पूरी हम एक चिकित्सा की, थेरेपी की एक जो है प्लानिंग करेंगे। जी डॉक्टर, आपने सरल डिजीजेस का बताया कैसे ट्रीटमेंट होता है जीवा में, वैसे बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिजीजेस भी होते हैं, सीरियस इश्यूज होते हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हाँ जी। तो इन इनक्योरेबल डिजीज जैसे कि इन्हें कहते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है जीवा में? बिल्कुल होता है। देखिए, हम जैसा आपको बार बार बताते हैं कि जीवा में जो है एक स्पेशल, हमने एक डॉक्टर्स का एक ग्रुप बनाया, बल्कि एक सेंटर है हमारा जिसको हम कहते हैं जीवा आयुर्वेदा सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज। तो ये केवल बड़े लोगों के लिए नहीं है, छोटे बच्चे, कई तो बच्चे ऐसे आते हैं जिनका के माइलस्टोन्स का प्रॉब्लम होता है, यानी कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या फिर जैसा आपने कहा कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं, देखिए, तो पहली बात जो है, जो रूट कॉज बेस्ड हमारा जो एक डायग्नोसिस होता है कि जड़ कहाँ पर है। मान लो कि उसका जो है ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बच्चे का जो है प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे, ब्रेन को नरिशमेंट देंगे, नर्वस सिस्टम को ताकत के लिए बहुत सारी चीज़ें। एक अलग से ब्रांच है, जैसे एक ये बच्चों की ब्रांच है, ऐसे एक ब्रांच रिजुविनेशन की है। दूसरी जो हमारी एक पावरफुल इसमें जो काम करने वाली जो चिकित्सा की जो हमारा सिस्टम है वो है पंचकर्म। पंचकर्म में तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं, कई बार पेशेंट तो हो ही जाता है, क्योंकि उनको तो बताया गया कि इसका इलाज ही नहीं है, ये तो जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन जब पंचकर्म जब कराते हैं आकर के हमारे यहाँ पर, और बच्चों के लिए विशेष रूप से हमारे पंचकर्म एक्सपर्ट हैं, तो उनमें गजब का रिजल्ट मिलता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक केस स्टडी यहाँ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, बच्चे की है, जो कि रायपुर हमारी क्लिनिक में इन्होंने कनेक्ट किया था, और ये बच्चा 1 साल से इसको दौरे पड़ते थे, जो एपिलेप्सी होता है ना, फिट्स पड़ते हैं, 1 साल से इसको दौरे पड़ते थे, और इसने काफ़ी एलोपैथिक दवाई भी ली, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं मिला।
तो पहले इसने हमारी रायपुर क्लिनिक से कुछ दवाइयाँ ली, हमारे पास ये जब आए जीवाग्राम में तो पंचकर्म कराया 2 हफ्ते का, 7 महीने में पूरी तरह से ये बच्चा ठीक हुआ। आपको मालूम है उसमें बहुत लंबा इलाज चलता है एपिलेप्सी में, मुंह से इसको लार आती थी, कमजोरी थी, सुस्ती बहुत रहती थी, दौरे तो पड़ते ही थे, ये इसकी मेन प्रॉब्लम्स थी। तो हमने मेडिसिंस दी, डाइट भी सजेस्ट की, लाइफस्टाइल भी थोड़ा बच्चे का ठीक किया, दूसरे महीने से ही उसको आराम दिखने लगा, जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं, पूरा चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, और 7 महीने उसने मेडिसिन लेकर के वो बिल्कुल ठीक चल रहा है बच्चा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो प्लीज़ कनेक्ट विद जीवा, कनेक्ट करके एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें, और जो भी स्थिति होगी आपको हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। जी डॉक्टर, आपने शुरुआत में बोला था स्वर्ण प्राशन करते हैं बच्चों के लिए, जी जी जी, वो आखिर क्या होता है प्लीज समझाइए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर लिया, क्योंकि सभी को मैं बताता हूँ, आजकल क्या होता है ना, बच्चों को हम वैक्सीनेशन दिलवाते हैं, उसका पर्पज क्या है कि कई बीमारियों के जो है खिलाफ हम एक इम्यूनिटी बॉडी में बना रहे हैं बोर्ड जी। तो पुराने समय में तो ये वैक्सीनेशन नहीं होता था, तो आयुर्वेद के समय में पुराने समय से बहुत सारी ऐसी जो है एक्टिविटीज थी, ऐसी चिकित्सा थी, ऐसी थेरेपीज थी कि जो बच्चों के अलग अलग लेवल पर इम्यूनिटी को बढ़ाती थी। उनमें से एक है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन क्या होता है, गोल्ड होता है ना, सोने की भस्म, उसको शहद में मिलाते हैं, साथ में कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं, उसमें एक बढ़िया सा एक ड्रॉप्स बनते हैं बच्चों के लिए, और वो ड्रॉप्स वैसे तो जो है हमारी जीवा की क्लिनिक्स में भी हम ये करते हैं प्रोग्राम, हर महीने जो पुष्य नक्षत्र होता है, जो आप जानते हैं ज्योतिष के अनुसार देख सकते हैं पंचांग में, पुष्य नक्षत्र के समय बच्चों को ये ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर घर में पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि पोलियो ना हो। लेकिन स्वर्ण प्राशन जो है जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चे स्वर्ण प्राशन ले सकते हैं, ड्रॉप्स ले सकते हैं, पुष्य नक्षत्र में लें तो बहुत अच्छा है, ऐसे भी उनको जो है वीकली आप पिलाएं तो बहुत बढ़िया रहता है, उनके शरीर में जो ओजस बनता है, धातु पुष्ट होते हैं, बल बढ़ता है, और हम अपनी भाषा में कहें तो व्याधि क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति उनके अंदर बढ़ती है, वो स्वस्थ रहते हैं और रोग उनके पास नहीं आते। जी, और बिल्कुल डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही करें जो भी आपको करना है अपने बच्चों के लिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अच्छा, अब आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है आपसे, हम आयुर्वेद फॉर किड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमूमन जब बच्चों को जो भी बीमारी होती है, कुछ जरा सा भी सर्दी जुकाम बुखार होता है तो पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं सीधा, तो ऐसे में जीवा सेहत का नंबर उनके लिए कितना सुविधाजनक हो सकता है, और आपको अमूमन एक दिन में हर रोज कितने कॉल्स आते हैं बच्चों से रिलेटेड? अगर मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँ तो जन्म से लेके यानी कि 0 से 5 साल तक के टोटल केसेस ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, 6987 केसेस, और अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स किस किस तरह की, मैं परसेंटेज के हिसाब से, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो पाचन संबंधित रोग 40% बच्चों को थी इस एज ग्रुप में, रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स से रिलेटेड 22% बच्चों को, स्किन रिलेटेड 15% बच्चों को प्रॉब्लम्स थी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स 15%, और मांसपेशियों या जोड़ों में मस्कुलर प्रॉब्लम जो है वो 8%। ये तो मैंने जन्म से 5 साल तक का डेटा आपको बताया, अब सुन लीजिए 6 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक के बच्चे कितने आए हमारे पास, 9215, ये पिछले 2 वर्ष का डेटा है केवल। इसमें भी अगर देखें पाचन से रिलेटेड 36% बच्चे थे, थोड़ा यहाँ पाचन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन उतना ही है 26% के करीब है, त्वचा संबंधित प्रॉब्लम्स 19% थे, न्यूरोलॉजिकल 16% थे, और मस्कुलोस्केलेटल जोड़ों और मांसपेशियों से रिलेटेड 3% थे। एक और तीसरा ग्रुप है बच्चों का 11 से लेके 17 तक, इसमें टोटल केसेस देखिए 18,864, बहुत बच्चे आते हैं, आपने पूछा कितने आते हैं, इसमें अगेन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को देखें तो 28% लोग थे इसमें बच्चे थे, रेस्पिरेटरी 19, यहाँ पर त्वचा बढ़ गया है, ये जो एज है टीनेज, इसमें एक्ने पिंपल, तो 35% बच्चे जो है वो त्वचा के रोगों को लेकर आए, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के 14% थे, और जोड़ों और मांसपेशियों के 4%। तो सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है, जैसा मैंने विस्तार से आपको समझाया, हर वर्ग के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और हजारों की संख्या में आते हैं,
और उनकी जो भी तकलीफ होती है उनको हम अच्छी तरह से पहचान करके उनका आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, ज़रूरी नहीं है आपको तुरंत जो है कुछ भी हुआ तुरंत स्ट्रॉन्ग केमिकल मेडिसिन देनी। आप वीडियो से जुड़ जाइए, क्लिनिक में जुड़ जाइए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बहुत जल्दी काम करती हैं, कई बार तो एलोपैथी से ज़्यादा जल्दी काम करती है। वहाँ कई बार 5-6 दिन का कोर्स देते हैं, हमारे यहाँ 3 दिन में कई बार कोल्ड, कफ, म्यूकस, इवन फीवर वगैरह के पेशेंट आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। सो डोंट वरी, आपके बच्चों का स्वास्थ्य आयुर्वेद के साथ सुरक्षित है। तो व्यूअर्स, अगर आपके घर में बच्चों की सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या या कोई दूसरी बीमारी है तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स राइट नाउ। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88-60-10-40-40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो अब अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत इस जरूरी सूचना के साथ कि अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई आप नहीं लेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर।